इकबाल दुर्रानी कॉलेज ऑफ एक्टिंग के इरफान शेख साहब हमारे साथ हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे, सर यहाँ पे जो ये कॉलेज खुल रहा है इसमें बच्चों का भविष्य क्या है? भविष्य तो बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं एक्टिंग को लेकर के, उसमें बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, दो दिन या तीन दिन यहाँ रहते हैं। तीन दिन मुझे ऐसा नहीं लगता है, किसी भी टैलेंट को जानने के लिए, पहचानने के लिए काफ़ी है। तो होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड यूथ होते हैं, यंग बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होते हैं, जिनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी क्षमता है, वो जब आप देख ही नहीं पाएंगे तो उनको आप क्या ब्रेक देंगे। और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि इकबाल साहब का जो रिच एक्सपीरियंस है, अब तक 90 फिल्म्स दे चुके हैं और ये सारे बिग हिट फिल्में हैं। मैं स्कूल में, कॉलेज में इनके फिल्मों को देखता था, उनके स्टिकर्स को रखता था, तो कभी मैं ये सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड विथ अ 25 ईयर्स ऑफ हार्डकोर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिज्म। कोई ऐसा चैनल नहीं है हिंदुस्तान का जहां मैं काम नहीं किया हूं। और मैं सारे अपने मीडिया दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि वो भी आएँ और साथ दें, और यंग टैलेंट जो हैं ऑल ओवर इंडिया, जो बच्चे हैं, उनको यहाँ पे लाएं, एक अपॉर्चुनिटी दें अपने थॉट्स को बताने का, करने का, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। क्योंकि ये जो नया हिंदुस्तान जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक जो अदृश्य भारत की बात कर रहे हैं, उसको ढूंढने के लिए निकले हैं दुर्रानी साहब, और एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी और एक लाइट है। बहुत सारे गाने हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम नहीं लूँगा, उनके गानों को देख करके पेरेंट्स कहते हैं यार, क्योंकि कल्चर जो हमारा रूट्स बड़ा स्ट्रांग है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन में देखिए कि सब लोगों की क्या ऐसी तैसी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइड हो रहा है, बीमारियां हो रही, तो पूरे दुनिया में जो भी टेररिज्म है या हेट्रेड है उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में है। और उसी को एक छोटा सा कैप्सूल बना करके दुर्रानी साहब अपने फिल्मों में देते हैं, अपने गानों में देते हैं, अपने स्क्रिप्ट में देते हैं। कोई भी ऐसा डायलॉग आप किसी भी एक्टर, एक्ट्रेस या उनके विलेन भी होते हैं तो वो पॉजिटिव डायलॉग देते हैं। तो ये चीज़ एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है बच्चे यहाँ पे आकर के एक सिर्फ एक अच्छा एक्टर ही नहीं बनेंगे, लेकिन जो इनका जो थॉट है कि सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनो, बाद में डॉक्टर, जज, एक्टर, बावर्ची, कुछ भी बन जाओगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे इनके कॉलेज की। सर यहाँ पर कब से पहला सत्र शुरू हो रहा है? बहुत जल्द होगा और उसका एक प्रॉपर हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। अभी तो फिलहाल ऑडिशन चल रहा है और बच्चों को हम देख रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं, और इनका साफ इंस्ट्रक्शन है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर में डेडिकेशन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो वो चाहे कुछ भी कर ले, इस कॉलेज का हिस्सा वो नहीं बन सकता। अगर वो अपने आप को ही लाइटली लेगा, नॉन सीरियस एटीट्यूड रहेगा, तो वो चाहे कितना ही बड़ा पहलवान क्यों नहीं हो, कितना ही हैंडसम क्यों ना हो, इनके मूवीज़ में या इनके डॉक्यूमेंट्रीज में या इनके काम में या इनके टीम में शायद ही जगह मिल पाएगा। क्या क्या कोर्स यहाँ पे कराए जाएंगे? कोर्स तो देखिए ऐसा है कि एक्टिंग के कोर्सेज हैं, उसमें योगा से लेकर के, डांस से लेकर के, एक्ट करने तक, ये सब कुछ होगा। और बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है ये, इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशंस को अलग अलग फॉर्मेट पे किस तरह से लोगों को बताना, आप अपने मैसेज को कैसे कन्वे करेंगे, ये सिर्फ डायलॉग डिलीवरी की नहीं है। मतलब सबसे खास चीज़ जो मैंने दुर्रानी साहब में देखा, वो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बहुत इंटेंस रोमांटिक रोल्स हैं जो विदाउट डायलॉग के मैं दिखाऊंगा। ये तो अपने आप में सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक चीज़ होगा कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एक रोमांस को, एक इमोशन को विदाउट डायलॉग। तो ये तो आप जब देखेंगे, क्लासेस होंगे, जब इनकी लेक्चर सुनेंगे, तभी पता चलेगा। अभी एक इंटरव्यू में मैं क्या बताऊं आपको। मैं फीस की बात कर रहा था कि जो कोर्स यहाँ पे करा रहे हैं आप, ताकि आप हमारे दर्शकों को बता दें जो बच्चे देख सकें, तो उसमें कितना समय का होगा और कितनी फीस होगी? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि फीस की बात आपके मैं इंटरव्यू में करूं, आप उसको ऑन एयर करें और घर बैठे सारा जानकारी मिल जाएगा, तो जो, क्योंकि फिर वैसे बच्चों को यहाँ लेकर के भी हम क्या करेंगे, जब तक वो थोड़ी सी मेहनत ना करे, कॉलेज तक चल के ना आए, ब्रोशर को ना पढ़े, तो जब तक उसे पता ही नहीं चलेगा हम मटेरियल क्या दे रहे हैं, तो वो फीस बताना भी मुनासिब नहीं होगा। कॉलेज है इकबाल दुर्रानी एक्टिंग कॉलेज, C56A20 Sector 62 नोएडा, और ये बैंक ऑफ बार्कले के जस्ट अपोजिट है, बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है। और यहाँ पे एक्टिंग के साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें भी उनको सीखने को और देखने को मिलेगा। और आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।